हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 9 जून 2022 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह है शुक्ल पक्ष नवमी, 8:30 बजे तक, उसके बाद दसवीं शुरू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, देश में एक बार फिर से कोरोना बढ़ने लगा तो सरकार ने कुछ सख्त निर्देश जारी किए हैं। एक तो अब हवाई जहाज में सफर करने वाले सभी लोगों के लिए फेस मास्क अनिवार्य कर दिया। भारत सरकार के DGCA यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से ये निर्देश और ऑर्डर जारी कर दिया है कि जो भी व्यक्ति अगर विमान में मास्क नहीं लगाता है तो एयरलाइंस कंपनियां उनको यात्रा करने से ही रोक दें, विमान से ही नीचे उतार दें। अब हवाई सफर करने दौरान मास्क लगाना जरूरी होगा, नहीं तो आपको फ्लाइट में टेक ऑफ करने से पहले ही वापस यात्रा से बाहर कर दिया जाएगा, एरोप्लेन में बैठने भी नहीं दिया जाएगा। और सिर्फ मास्क नहीं लगाना बल्कि आपको कोरोना के सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करना जरूरी होगा। ना सिर्फ विमान में यात्रा करने दौरान बल्कि एयरपोर्ट पर भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा, है ना। देश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से ये नया आदेश जारी कर दिया है। देखिए, आप पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए मामलों में करीब 41% का इजाफा देखा गया। इतने दिन तो 2,000, 2,500, 3,000 के लगभग 24 घंटों में नए मामले आ रहे थे, लेकिन अभी देखिए आप पिछले 24 घंटों के दौरान आज 5,233 कोरोना के नए मामले देखे गए, 7 लोगों की मौत हुई 24 घंटों में। इन 5,000 में से राजधानी दिल्ली में एक दिन में 564 केस आए, एक मरीज की मौत हुई। यहाँ भी कोरोना के मामले बढ़े हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के 1,765 रिकॉर्ड तोड़ नए मामले देखे गए, एक ही दिन में 42% का इजाफा हुआ और संक्रमण दर 9.19% पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र और केरल, ये दो ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां अभी हमारे देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले चल रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि महाराष्ट्र और केरल में मानो कोरोना की चौथी लहर सी आ गई। दिल्ली और कर्नाटक के भी आंकड़े डरावने वाले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान आए 5,233 मामलों में से महाराष्ट्र में 1,881 मामले के लगभग देखे गए, केरल में 2,271 कोरोना मरीज मिले। अगर आप भी इन राज्यों में रहते हैं, महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली वगैरह में, तो कोरोना को लेकर स्पेशल अलर्ट और सजग रहें, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहें। वैक्सीनेशन में देखिए, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 पर चल रहा 33 करोड़ वैक्सीन की डोज देकर, और कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या भी यूपी में 1,000 से कम चल रही है, जो कि बड़ी राहत की बात है। तो ये देश में कोरोना का माहौल चल रहा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। किसान भाई लोगों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया और किसानों को राहत दी है। दरअसल गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। तिल के MSP 523 रुपए, तुअर और उड़द दाल की MSP भी 300 रुपए बढ़ चुकी है। मूंग के MSP पर 480 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह से कुल मिलाकर के सरकार ने 14 फसलों में एक साथ MSP को बढ़ा दिया है। ये मोदी सरकार की तरफ से किसान भाई लोगों को लेकर बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया। इससे किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिल पाएगा। जो धान इतने दिन 1940 MSP पर बिक रहा था, वो भी 100 रुपए बढ़कर अभी 2,040 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। अब 14 फसलों में एक साथ जो MSP बढ़ाई गई, इनकी लिस्ट भी आप इस टेबल में देख सकते हैं कि MSP पुरानी कितनी थी और अभी न्यू कितनी हो चुकी है और कितना का इंक्रीमेंट लगाया गया है ना। कपास वगैरह में भी 350-400 रुपए की बढ़ोतरी हुई। उड़द, मूंग, चना, तुअर, मूंगफली, बाजरा, मक्का, ज्वार वगैरह सभी की रेट लिस्ट का अपडेशन आप यहां देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मेडिकल साइंस से एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए आप, कैंसर की 100% कारगर दवा मिली और इस दवा के ट्रायल में ट्यूमर पूरी तरह से खत्म हो गया। कीमो रेडिएशन की भी जरूरत नहीं पड़ी। 2 साल से मरीज स्वस्थ है। वैज्ञानिकों ने एक नया चमत्कार कर दिखाया। मानो मेडिकल साइंस में ये किसी भी माइरिकल से कम नहीं है। दरअसल दोस्तों, भले ही आज हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है और विकसित हो चुकी है, उसके बावजूद भी कई सारी बीमारियां आज भी अवेलेबल है जो लाइलाज है, जिनके नाम से ही डर लगता है, जैसे पैरालिसिस, कैंसर, एड्स। तो इस तरह की लाइलाज बीमारियों को भी इलाज सिद्ध बनाने के लिए हमारे देश के और दुनिया भर के वैज्ञानिक रात दिन जुटे हुए रहते हैं और इनके लिए नई नई दवाएं बनाने की और खोजने की एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इसी बीच वैज्ञानिकों को कैंसर के इलाज में एक बड़ी कामयाबी मिली है। हाल ही में रेक्टल कैंसर यानी मलद्वार के कैंसर के कुछ मरीजों पर डोस्टर लीमेब नामक दवा का क्लिनिकल ट्रायल किया गया और इससे सिर्फ मात्र 6 महीने में ही कैंसर का ट्यूमर पूरी तरह से खत्म हो गया। ये रिसर्च न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित भी हुई है। 18 अलग अलग तरह के कैंसर के मरीजों पर इस रिसर्च को किया गया और सबसे अच्छी बात यह कि इतिहास में पहली बार कैंसर की कोई दवा है जो 100% कारगर रही है, बिल्कुल कैंसर को खत्म कर दिया। और पहली बार परीक्षण में यानी कि ट्रायल में शामिल सारे मरीजों का कैंसर भी बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गया। ये वैज्ञानिकों के लिए और मानव जाति के लिए आशा की एक नई किरण है कि भविष्य में हमें कैंसर का भी पूरा परमानेंट इलाज देखने को जरूर मिलेगा, राइट। वहीं ब्रेन ट्यूमर्स पर भी बड़ी खबर आ रही है। देखिए आप, अब लाइलाज नहीं रहे बिनाइन और मैग्नेंट ब्रेन ट्यूमर्स, नई तकनीक से इनका भी इलाज संभव हो पाया है। बीते कुछ सालों में मेडिकल साइंस ने एक ऐसी नई तकनीक खोज कर ली है जिससे बिना चीरफाड़ किए एंडोस्कोपी के जरिए ट्यूमर को शरीर से बाहर निकाला जा सकता है ना। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। अच्छा,
अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पंजाब हरियाणा और राजस्थान के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने नई ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। दरअसल नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा पंजाब और हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बठिंडा और सिरसा के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा बठिंडा और अनूपगढ़ के बीच चलने वाली ट्रेन भी एक बार फिर से पटरियों पर वापसी करेगी। ट्रेन संख्या वगैरह की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, रेलवे की बात हो रही तो और एक खबर ये आ रही दोस्तों कि आरआरबी के जो परीक्षा के परीक्षार्थी है ना, उनकी सुविधा के लिए 15 जून को होने वाले रेलवे एग्जाम के लिए इंडियन रेलवे की तरफ से परीक्षार्थियों के लिए स्पेशल रेलगाड़ी चलाने का भी फैसला किया गया। इसके लिए गाड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वही देखिए, भारत दौरे पर आए ईरान के विदेश मंत्री ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच कारोबार और संपर्क सहित द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत भी हुई। पीएमओ के मुताबिक अब्दुल्लाहियन का स्वागत करते हुए मोदी ने भारत और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को याद किया और इससे एटलीस्ट भारत ईरान के बीच रिश्ते मजबूत हुए हैं। कुछ व्यापारिक समझौते हुए उन पर भी बातचीत हुई, जिनकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, वही देखिए, भारत ने एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। महज 5 दिन में 75 किलोमीटर हाईवे तैयार किया। अमरावती से अकोला के बीच हाई स्पीड से सड़क का निर्माण किया गया और ये दुनिया भर में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत नंबर 1 बन चुका है। NH 53 नेशनल हाईवे 53 पर 105 घंटे और 33 मिनट में सड़क बनाकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन प्राधिकरण यानी कि NHAI, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का कमाल कर दिखाया। दुनिया भर में इतनी ज्यादा स्पीड से सड़क निर्माण करने का रिकॉर्ड अब तक किसी भी देश के पास नहीं है, जो भारत ने हासिल कर लिया। और ये मतलब भारत के विकास को लेकर दुनिया भर के लिए एक अच्छा संदेश भी है, राइट, कि भारत भी कितनी तेज गति से और कितनी सुपर फास्ट टेक्नोलॉजी से डेवलपमेंट कर सकता है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर रखा जाएगा। औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर अब संभाजीनगर करने का निर्णय लिया गया है। एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने शहर का नाम बदलने की घोषणा की है। वहीं देखिए, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही, इंस्टाग्राम पर अब आपको ट्विटर और फेसबुक की तरह पोस्ट को पिन करने का ऑप्शन मिलेगा, जिससे मतलब इंस्टाग्राम पर भी आपके पसंदीदा रील्स और आपके पसंदीदा फोटोज जो है ना, वो आपको ऊपर ही ऊपर प्रोफाइल में दिखाने का ऑप्शन मिलेगा। मतलब उनको आप पिन कर पाओगे तो कोई आपकी प्रोफाइल देखेगा, तो जो फोटो जो वीडियोस जो रील्स आप चाहोगे वही आपके प्रोफाइल में ऊपर ही ऊपर टॉप पर दिखेंगे पिन करने के बाद, है ना। इसके अलावा इंस्टाग्राम एक और नया फीचर ला रहा है सेंसिटिव कंटेंट कंट्रोल को लेकर। जी हाँ, अब रील्स वगैरह या कोई भी सर्च करना, कोई हैशटैग देखना और आपके फीड रिकमेंडेशन, सभी में अगर आपको इंस्टाग्राम पर सेंसिटिव कंटेंट मिलता है तो उसको आप अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर पाएंगे। सेंसिटिव कंटेंट कंट्रोल फीचर इंस्टाग्राम ने इस नाम से एक नया फीचर रोल आउट किया। आपको अकाउंट में ये फीचर देखने को मिल जाएगा, जिससे एटलीस्ट आप अपने कंटेंट की रिकमेंडेशन वगैरह को ज्यादा मॉडिफाई करके अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, गंगा दशहरा पर्व को लेकर प्रशासन सतर्क हो चुका है। हरिद्वार में उत्तर प्रदेश दिल्ली का ट्रैफिक भी डाइवर्ट रहेगा। अभी निर्जला 11 आ रही है और इस मौके पर ये जो गंगा स्नान वगैरह का माहौल रहता है, तो गंगा दशहरा स्नान पर्व को लेकर हरिद्वार पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन को लेकर प्रयास भी किए जा रहे हैं। 9 जून से लेकर 11 जून तक जिले में भारी वाहनों के लिए नो एंट्री कर दी जाएगी। इस साल 9 जून को गंगा दशहरा स्नान पर्व है, इसके बाद अगले दिन निर्जला एकादशी है। इन दोनों स्नान पर्वों के साथ ही वीकेंड पर शनिवार और रविवार की भी भारी भीड़ आनी तय है, तो इसीलिए हरिद्वार पुलिस ने पहले से ही तैयारियां करना शुरू कर दिया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, सीएनजी पर एक बड़ी खबर आ रही, देखिए दोस्तों, साल भर में 74% बढ़ चुके हैं सीएनजी के दाम। 2 महीने में ही 18 रुपए प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी। इससे 2 महीनों में 12% तक सीएनजी कारों की बिक्री भी घट गई। मतलब इतने दिन तो क्या है कि पेट्रोल और डीजल काफी ज्यादा महंगा हो रहा था, तो इसकी वजह से सीएनजी की कारों को ज्यादा खरीद रहे थे लोग बाग, क्योंकि अभी ईंधन के 3 ही मेजर ऑप्शन है हमारे पास, पेट्रोल डीजल या सीएनजी, राइट। तो अब क्या है कि सीएनजी की भी रेटें काफी ज्यादा बढ़ गई। 12 महीनों में 43 रुपए से लेकर 76 रुपए तक सीएनजी पहुंच चुकी है, तो इस वजह से अब सीएनजी की कारों की बिक्री भी घट रही है। देखिए हालात मतलब। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, दूरदर्शन पर आएगी स्पेशल सीरीज, देश के गुमनाम नायकों की कहानियां बताई जाएगी। जी हाँ, हमारा भारतवर्ष इस पूरे साल आजादी के अमृत महोत्सव को 75वें वर्ष के रूप में मना रहा है। इस कड़ी में दूरदर्शन पर एक नया कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है और उस कार्यक्रम के माध्यम से देश के गुमनाम नायकों की कहानियों और भारतीय इतिहास के बारे में बताया जाएगा। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वही देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में रात 10 बजे के बाद नहीं होगी कोई शादी और ना ही होगी कोई पार्टी। पाकिस्तान में बिजली का संकट काफी ज्यादा चल रहा और इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि पाकिस्तान में अभी महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और हालात देखिए, पाकिस्तान के पास बिजली भी खत्म हो गई है। अब रात में कोई शादी पार्टी वगैरह नहीं हो पाएगी बिजली संकट के चलते। इतना पाकिस्तान में आर्थिक संकट और रिसोर्सेज का संकट चल रहा है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, खेलो इंडिया गेम्स 2021 में 13
हालांकि प्रतिस्पर्धा में कर्नाटक ने 4 गोल्ड समेत 9 मेडल जीते, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना ने भी गोल्ड मेडल जीते हैं। किस किस प्लेइंग के सेक्टर में जिनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में राजस्थान के जयपुर की अवनी लेखेरा ने गोल्ड मेडल जीता है, 250 अंकों के साथ नया रिकॉर्ड बनाया। पैरालंपिक के लिए वो क्वालिफाई भी हो चुकी है। मैनी कॉन्ग्रेट्स अवनी को भारत के लिए गोल्ड जीतने के लिए। अच्छा वहीं देखिए अभी भी हिजाब का मसला हमारे देश में सोल्व नहीं हुआ है। हिजाब पहनने पर एक्शन लिया गया, कर्नाटक के गवर्नमेंट कॉलेज में 24 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया ड्रेस कोड वायलेशन के आरोप के चलते, क्योंकि वे हिजाब पहनकर क्लास में पहुंची थी। अच्छा टेक्नोलॉजी से एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अब हर डिवाइस के लिए आपको चार्जर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जल्द ही यूनिवर्सल चार्जिंग पोर्ट का नियम लागू होगा। जी हाँ, मोबाइल फोन वगैरह इनके चार्जर को लेकर या कोई और डिवाइस के चार्जर को लेकर अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर एक नया नियम आने जा रहा। उसके मुताबिक दोस्तों जितनी भी मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां हैं उनको साल 2024 तक इन शर्तों को मानना होगा, इन शर्तों का पालन करना होगा। मोबाइल फोन हो या आपका टेबलेट हो, सभी के लिए सिंगल मोबाइल चार्जिंग पोर्ट इस्तेमाल पर सहमति बन चुकी है। यूरोपीय देश और यूरोपीय संघ के सांसद ने मिलकर इस तरह का नियम बना दिया। अब चाहे एप्पल कंपनी हो, चाहे आपका कोई भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन हो, सभी के लिए सेम चार्जिंग सॉकेट आएगा साल 2024 के बाद, है ना। मतलब अभी भी वैसे मेजरली टाइप सी के चार्जर पोर्ट ही आते हैं अधिकतर एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स में। तो बाकी इससे पहले कुछ एंड्रॉइड में वो दूसरा वाला चार्जिंग पोर्ट आता था, लेकिन उसमें समस्या ये होती थी दोस्तों कि वो चार्ज लगाते समय हमें देखकर लगाना पड़ता था, पिन उल्टी सीधी तो नहीं लग जाएगी। लेकिन यूएसबी टाइप सी में हमें ये दिक्कत नहीं होती, हम किसी भी तरीके से उसको लगा सकते हैं अप डाउन साइड में दोनों तरफ से, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, राइट। एप्पल में चार्जिंग पोर्ट थोड़ा डिफरेंस टाइप का आता है लाइटनिंग कनेक्टर का, तो ये सभी चीजें जो है अब कॉमन हो जाएगी, यूनिवर्सल चार्जिंग पोर्ट होगा सभी डिवाइसेज के लिए। साल 2024 से इस तरह का नियम लागू हो जाएगा। अच्छा कुछ बैंकिंग के न्यूज अपडेट्स देखिए दोस्तों। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए। वैसे तो मैंने आपको इनके बारे में डिटेल जानकारी कल इवनिंग में एक वीडियो में बताई थी, लेकिन ब्रीफ इन्फॉर्मेशन वापस बता देता हूँ। देखिए आप आरबीआई की जो कल मीटिंग हुई ना उसमें कुछ 3-4 बड़े फैसले लिए गए। देखिए एक पहला अपडेट, तो आप आरबीआई का बड़ा फैसला, अब 1.5 करोड़ तक का होम लोन दे सकेंगे कोऑपरेटिव बैंक भी। 1.40 करोड़ तक का लोन देने की इजाजत होगी कोऑपरेटिव बैंकों को भी। हाउसिंग लोन के लिए इनकी लिमिट को बढ़ा दिया, पहले इनकी लिमिट आरबीआई ने 70 लाख रुपए रख रखी थी, लेकिन इसको बढ़ाकर सीधा डबल कर दिया। अब 1.40 करोड़ तक का लोन यानी कि कर्ज जो है हाउसिंग लोन वो कोऑपरेटिव बैंक भी दे पाएंगे, है ना। और इसके अलावा आरबीआई ने एक और बड़ा फैसला लिया कि अब 15,000 तक ऑटो डेबिट के लिए आपको ओटीपी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल ऑनलाइन पेमेंट को लेकर आरबीआई की तरफ से एक नया नियम लागू कर दिया। ऑटो पे जो होते हैं ना कई तरह की बिलिंग वगैरह के लिए और कई तरह की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में हम ऑटो पे सिस्टम शुरू रखते हैं, जैसे मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस कोई चीज हो गई। आजकल तो इंटरनेट के रिचार्ज वगैरह भी ऑटो पे से होते हैं, इंश्योरेंस का बीमा प्रीमियम भरना हो या लाइट बिल जमा कराना हो, कई जगहों पर हम ऑटो पे का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो इस ऑटो पे में पहले 5,000 की लिमिट थी, बिना ओटीपी के भी 5,000 ऑटो पे कर सकते थे, लेकिन इस लिमिट को बढ़ाकर आरबीआई ने 3 गुना बढ़ा दिया। अब 15,000 रुपए तक आप बिना ओटीपी के भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, ओटीपी तब तक अनिवार्य नहीं होगा 15,000 तक, है ना। इसके अलावा एक और नियम जो दोस्तों आरबीआई बदलने जा रहा कि अब क्रेडिट कार्ड से भी यूपीआई का पेमेंट हो जाएगा। अभी यूपीआई के पेमेंट करने के लिए जरूरी चीजें या तो सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता या करंट अकाउंट होना जरूरी होता है, डेबिट कार्ड के जरिए आप यूपीआई का पेमेंट कर सकते हैं, राइट। लेकिन आरबीआई रिजर्व बैंक का कहना है कि बहुत जल्द रुपे क्रेडिट कार्ड से भी आपको यूपीआई का पेमेंट करने की फैसिलिटी मिलेगी, यानी कि आप पेटीएम, फोन पे, भीम, गूगल पे वगैरह में क्रेडिट कार्ड के जरिए भी यूपीआई का भुगतान कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए आपको ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ेगा या नहीं ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन आरबीआई बहुत जल्द आपको ये फैसिलिटी जरूर दे देगा। इसके अलावा रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट को भी एक बार फिर से बढ़ा दिया है, 1 महीने के अंदर ही दूसरी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले आरबीआई ने रेपो रेट में 0.40% की बढ़ोतरी की थी, लेकिन आज आरबीआई ने एक बार फिर से 0.50% की बढ़ोतरी और कर दी है रेपो रेट में, और अभी आरबीआई की रेपो रेट 4.90% हो चुकी है। जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों रेपो रेट क्या होती है। अगर रेपो रेट को मैं आपको सिंगल लाइन में डिफाइन करूं ना, तो रेपो रेट वो रेट यानी कि वो दर होती है जिस पर आरबीआई से बैंकों को कर्ज मिलता है। यानी कि जैसे होता क्या, हम ग्राहक हैं, आप और हम लोन कहां से लेते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली तो आरबीआई से लोन ले नहीं सकते हैं, हम बैंकों से लोन लेते हैं और बैंक खुद भी आरबीआई से लोन लेते हैं, समझ रहे हो ना। तो बैंक जो आरबीआई से लोन लेते हैं ना, वो जो ब्याज दर होती है, वो जो इंटरेस्ट रेट होती है ना, वो रेपो रेट होती है। तो जाहिर सी बात है रेपो रेट बढ़ने का मतलब है कि बैंक भी अपने नीचे के ग्राहकों की लोन की रेटों को बढ़ा देंगे। तो कुल मिलाकर के आरबीआई के इस फैसले के बाद होम लोन, ऑटो लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, सभी तरह के लोन जो है महंगे होंगे। धीरे धीरे करके सभी बैंक अपने लोन की रेटों को बढ़ा देंगे, महंगा कर देंगे, और इससे 20 साल वाले 10 लाख रुपए तक के होम लोन की ईएमआई कम से कम 300 रुपए तक बढ़ जाएगी। आरबीआई ने जो रेपो रेट बढ़ोतरी की ना इस वजह से, तो
हुई है महंगाई के बीच आम आदमी के लिए एक और बड़ा झटका है। अच्छा अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए एक सप्ताह बाद बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत उत्तर भारत के 7 राज्यों में मौसम बदलेगा, जिससे गर्म हवाओं से राहत मिलेगी। 15 जून से लू से राहत मिल सकती है, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। क्योंकि देश में मानसून तो काफी टाइम पहले आ गया, लेकिन देश को प्री मानसून का फायदा नहीं हुआ। एक्चुअल कर्नाटक में 8 दिन से मानसून अटका हुआ, प्री मानसून बारिश नहीं हुई है, इसीलिए लू वापस लौटी है। मौसम विभाग का कहना है कि केरल में तो मानसून आ गया, फिर भी आधे भारत में भयंकर गर्मी और हीट वेव पड़ रही है, क्योंकि प्री मानसून बारिश अभी कहीं नहीं हो रही है। इसलिए हालांकि अब मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 10 से 15 तारीख के बीच कई राज्यों में बारिश शुरू हो जाएगी विद इन 1 वीक के अंदर अंदर। मध्य प्रदेश इंदौर में 10, भोपाल में 12 जून से बारिश होगी। एमपी में फिर प्री मानसून की एक्टिविटी भी शुरू हो जाएगी। राजस्थान में भी 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ, 10 से 12 जून तक 9 जिलों में बारिश की चेतावनी है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप जानकारी देख सकते हैं। और इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 9 जून 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम और देश के पूर्वोत्तर भाग और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। केरल, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप, सोना और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि सोने की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई, 30 रुपए सोना महंगा हुआ और उसके बाद अभी सोने का रेट 50,818 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी के भाव में 133 रुपए प्रति किलो का उछाल आया और उसके बाद अभी चांदी का रेट 61,717 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। ओके गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद आइए अब देश से जुड़ी कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए कल 10 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर जाएंगे और वहां कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वो जल आपूर्ति में सुधार लाने और जीवन व्यापन को आसान बनाने वाली तकरीबन 3,050 करोड़ रुपए की नई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और पीएम मोदी के इस गुजरात दौरे के दौरान एक नया नियम भी बना दिया, 9 ड्रोन फ्लाई जोन घोषित कर दिया। मतलब कि पीएम मोदी के आगमन के दौरान 9 और 10 तारीख को गुजरात में रिमोट संचालित उड़ने वाले उपकरणों पर बैन रहेगा, है ना। अच्छा दोस्तों आपको बताऊंगा, हाल ही में जो उत्तराखंड में यमुनोत्री की यात्रा के दौरान एक बस की दुर्घटना हुई थी और खाई में गिरने से तकरीबन 25 तीर्थ यात्रियों की श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, उस पर अब एक चश्मदीद गवाह का कहना है, जो पीछे से बोलेरो गाड़ी लेकर आ रहा था, उसका कहना है कि बस पहले सड़क से उतरी और फिर खाई में गिरी। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो ड्राइवर को झपके आने से बस गिरी, जबकि ड्राइवर का कहना है कि स्टीयरिंग फेल होने से बस गिरी है। हालांकि चश्मदीद गवाह का कहना है कि मैंने पूरा हादसा मेरी आंखों से देखा, लेकिन उस समय ड्राइवर की कंडीशन क्या थी, नींद की झपकी आ गई थी या स्टीयरिंग फेल हो गया था एक्चुअली, ये क्लियर कहना अभी सही नहीं है। जांच अभी भी इस पर चल रही है, बस की टेक्निकल जांच भी होगी, उसके बाद ही पता चलेगा। ये आप एनिमेशन के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ। एक रिपोर्ट में इस बात का भी पता चला दोस्तों कि उत्तराखंड में जहां अच्छी सड़कें हैं ना, वहां हादसे और ज्यादा होते हैं। पिछले 5 सालों के डेटा की बात करें तो 7,000 टोटल हादसे हुए हैं, जिनमें 5,000 लोगों की मौत हुई है। पिछले 5 सालों के दौरान की बात हो रही है, मतलब कितना ज्यादा हादसे होते हैं वहां पर, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वही देखिए बड़ी खबर, क्रूड ऑयल पर अपडेट आ रहा कि सऊदी अरब के फैसले से बढ़ेगी कई देशों की मुश्किलें और कच्चा तेल महंगा होने से भारत में भी पेट्रोल डीजल की रेटों पर बड़ा असर पड़ सकता है। दरअसल सऊदी अरब ने जुलाई महीने के लिए एशियाई देशों के लिए अरब लाइट क्रूड ऑयल के आधिकारिक बिक्री मूल्य यानी कि OSP में जून के तुलना में $2.1 प्रति बैरल की बढ़ोतरी कर दी है और इससे भारत में भी जुलाई तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई है। वहीं मकान बनाने की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं ना दोस्तों, तो अभी बना ले तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि सरिया का जो भाव है ना वो काफी कम चल रहा है। अभी इसी साल मार्च में सरिया 85 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया था, लेकिन अभी 45 से 50 रुपए प्रति किलो चल रहा है। सरिया का भाव में काफी गिरावट देखी गई। लोहा अभी सस्ता चल रहा है, अगर आप अभी मकान निर्माण करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी से आप लोहे के सरिया का स्टॉक डलवा दें RCC करवाने से पहले, है ना, ताकि रेटे बढ़ने से पहले आप इसका फायदा ले पाए। चलिए अगला अपडेट देखिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री से खबर आ रही है, विद्युत जामवाल की स्टारर फिल्म खुदा हाफिज 2 अग्नि परीक्षा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये मूवी 8 जुलाई को रिलीज होगी। वह देखिए अमरनाथ यात्रा पर बड़ी खबर, अब सीधे श्रीनगर से पंचतरणी के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा मिल जाएगी आपको। सरकार ने बोर्ड को ये सर्विस शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बनाए गए मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार केवल 15,000 पंजीकृत श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रियों को एक दिन में पहलगाम और बालटाल से आगे जाने की अनुमति है, जिसमें बालटाल ट्रेक और पहलगाम ट्रेक से प्रत्येक में 7,500 लोग शामिल हैं। और अब आप डायरेक्ट हेलीकॉप्टर की यात्रा के जरिए भी अमरनाथ में आ जा पाएंगे, है ना। वही देखिए बंगलुरु में आज से शुरू होगा स्टार्टअप्स के लिए ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। दुनिया भर के कई अलग अलग देशों के 80 स्पीकर्स यहां पर बिजनेस वगैरह की बातचीत करेंगे, आप भी चाहें तो इससे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और अगला अपडेट देखिए, अस्पताल में इलाज कराने वालों के लिए नया नियम आ रहा है कि भारी पड़ेगा
का डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार करना, मरीजों या रिश्तेदारों के हिंसक व्यवहार पर इलाज से मना भी कर सकेंगे डॉक्टर। दरअसल बहुत बार देश में ऐसी घटनाएं और खबरें देखी जाती है दोस्तों कि डॉक्टर के साथ कई बार इलाज कराने वाले पेशेंट के परिजन जो हैं वो दुर्व्यवहार करते हैं। कई बार उनके रिश्तेदार, उनके जान पहचान वाले जो हैं डॉक्टर को धमकियां देते हैं, डॉक्टर के साथ गाली गलौज करते हैं, कई सारे तो देवालेवी भी कर देते हैं। तो इस तरह से अब डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा को रोकने के उद्देश्य से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC की तरफ से एक नया मसौदा नियमन तैयार किया जा रहा है और इसके मुताबिक मरीजों या उनके रिश्तेदार द्वारा अगर डॉक्टर के साथ, नर्स के साथ, चिकित्सक के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार या हिंसक व्यवहार किया जाता है तो अब डॉक्टर को ये अधिकार होगा कि वो इलाज करने से मना कर पाएगा, इनकार कर सकेंगे। इस तरह का नया अधिनियम भी बनाया जा रहा है क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा डॉक्टर हमेशा इंसान की जान बचाने के लिए होता है, इलाज करने के लिए होता है। वो जानबूझकर कभी कोई गलत काम थोड़ी ना करते, कभी जानबूझकर ऐसा थोड़ी ना कि पेशेंट के साथ कोई गलती करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट की मौत हो जाती है तो डॉक्टर पर चिल्लाने लगते हैं परिजन, तो ये बात गलत है। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर खबर आ रही है, व्हाट्सएप में आपको एक और नया फीचर मिलेगा। अब आप गूगल ड्राइव से भी अपनी पुरानी चैट्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, है ना। और वही देखिए दोस्तों, कश्मीर में नौकरी कर रहे राजस्थानियों का दर्द। आतंकी कहते हैं कि अब तुम्हारा नंबर, गोलियां बरसाते रहेंगे, निकलो यहां से। कश्मीर में कई पंडितों और राजपूतों का अब ये कहना कि हमें 1990 के दशक से भी ज्यादा माहौल खराब अभी 2022 में लग रहा है। भारत सरकार को जरूर उन लोगों को बचाने के लिए, शरण देने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए, राइट। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हां, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में मिसाइल मैन की उपाधि किसको मिली हुई है, वो बड़ी महान हस्ती कौन है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, उनका नाम कमेंट में लिखिए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।